अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग जो एमसीक्यूज़ रह गए थे असिस्टेंट इन लेबर डिपार्टमेंट के, तो वो आपसे डिस्कस करने लगे हैं। तो आए, वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दरसे निज़ामी लॉन्च्ड इन विच मुगल एरा। तो हुमायूं के दौर में जो है ना दरसे निज़ामी जो वूमेन टेबल वो शुरू हुई थी। हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर इंक्लूड्स, हार्डवेयर बेसिकली होते हैं फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जिनको हम टच करते हैं, टच कर सकते हैं, और जिनको नहीं कर सकते वो फिजिकल सॉफ्टवेयर होते हैं। पावर पॉइंट की एक्सटेंशन आपको पता है पीपीटी है, डॉक जो है ना वो वर्ड की है, और एक्सेल की जो है ना एक्सेलस है। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जूम साइज इज नॉट इंक्लूड, तो जो ये ऑप्शन आई थी जूम साइज इज नॉट इंक्लूड, तो तमाम ऑप्शन जो है ना वो इंक्लूड थी, तो नन ऑफ दीज बनता था पेपर के अकॉर्डिंग। क्विक एक्सेस टू फंक्शंस थ्रू टूल बार विच प्रोवाइडेड पावर टू स्टार्ट कंप्यूटर, तो पावर सप्लाई बेसिकली होती है जिससे कंप्यूटर जो है ना ऑन होता है। इफ यू सेलेक्ट अ टेबल ऑन फील्ड, नो फील्ड इज सेट आफ्टर सेलेक्ट, विच इज कंट्रोल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड परफॉर्म अ डाटा CPU। एज क्रो फ्लाइज, इसका मतलब क्या है, इस इडियम का मतलब होता है डायरेक्टली। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने सेंटेंस करेक्ट करना था, दीज डैश आर माइन, दीज कैटल आर माइन, कैटल बेसिकली खुद एक वर्ड जो है ना वो प्लूरल जो है ना वर्ड है, तो कैटल आना था यहाँ पे, कैटल्स नहीं आना। दे ब्रस्ट इन टू, ब्रस्ट के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होती है इन टू यूज होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, गमशन का मतलब होता है जिंदा दिली, या पाथी का मतलब होता है मुर्दा दिली। द पीपल सिटिंग अंडर द शेड ऑफ ट्री, तो अंडर यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज होती थी। द सीरीज ऑफ लेक्चर वाज डिलीवर्ड, ही इज यहाँ पे आर्टिकल यूज होना था, एन यंग इज टू ओल्ड, एनालॉगी हमने फिल करनी थी, मॉर्निंग इज टू नाइट। वाइल सेवन हैव रिजाइंड, 10 न्यू कैंडिडेट्स हैव सेलेक्टेड, विच वन इज रीड बिफोर स्टार्ट नमाज, तकबीर जो है नमाज पढ़ने से पहले हम तकबीर जो है ना पढ़ते हैं ना, तो तकबीर इसका रहेगा। इल्हाम अलीयव इज द प्रेजिडेंट ऑफ अजरबैजान। कुकिंग यूटेंसिल्स कोटिंग विद टेफलॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कंजप्शन, तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर है। ये देख लीजिएगा, कोई 3-4 MCQ है, ये मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी जो है ना गड़बड़ है, तो ये कमेंट में नीचे मेंशन कर दीजिएगा। आगे मैथ का पोर्शन स्टार्ट हो गया। अली टेक्स 1200 रुपीज, बारो 5% इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, वट अमाउंट पेड आफ्टर 3 ईयर्स, तो 380, 1380 इसका राइट आंसर। कॉस्ट प्राइस जो टीवी की है 470 है, और सेलिंग प्राइस 540 है, परसेंटेज निकालनी थी प्रॉफिट की, तो नन ऑफ दीज बनता था इसका आंसर पेपर के अकॉर्डिंग। एक्स इज इक्वल टू 7 - 4√3, फाइंड एक्स -1/x, तो 14 बनता है इसका आंसर। इफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई बाय 625/25, तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो जस्ट लॉग एक्स जो है ना वो 5 की पावर x आ जानी थी, तो इसे सिंप्लीफाई करना था, तो एक्स की पावर जो है ना 5 हो जाना। इन अ स्कूल 4 क्लासेस, स्टूडेंट्स 10, 20, 30, 40, पासिंग परसेंटेज क्लास वाइज 20%, 30%, 60 एंड 100, फाइंड द पासिंग परसेंटेज इंटायरली, 66% आता था इसका। वेन 5 2 4 1 6 डिवाइडेड बाई 3 1 2 एंड क्वेश्चन इज 168, वट इज द क्वेश्चन वेन 5 2 0.416 डिवाइडेड टू 0.0168, तो 3120 इसका राइट आंसर। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर हैंड्स ऑफ क्लॉक इन स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट इन डायरेक्शन, 22 टाइम्स। ए एंड बी कंप्लीट वर्क इन 15 डेज, बी कंप्लीट ओनली 20 डेज, इन विच डेज ए अलोन कंप्लीट अ वर्क 60 डेज। मोड ऑफ लाइट ट्रांसमिशन इज परस्पेक्टिव,
इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट सिलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट जो है ना वो नेशनल असम्बली प्रोविंशियल और सेनेट तीनों से सिलेक्ट होता है। अली बक्स इन डैश फ्रॉम अदर्स स्टैंड आउट। इकबाल की कौन सी जो है किताब है जिसका दबाचा उर्दू में भी है, तो अगर अरमगाने हिजाज इसका राइट आंसर है। नींद बेदारी और बीमारी कवायद की रूसी इसमें कैफियत को कहते हैं। अच्छा जी, दर्द जैल में से प्रवीण शाकर का अफसाना कौन सा, तो गिवन ऑप्शन थे जो थे ना वो सारे जो है ना उन प्रवीण शाकर के थे, तो नन बनता था आंसर। लंदन की रात किसने लिखी किताब, सजाद जहीर। फनून मजल्ला जो है ना किसने लिखी है, अहमद नीम कासमी। हर बंद का आखिरी चेर जो बार बार रजू करे कहलाता है तरजीह। उर्दू तनकीद पर एक नज़र किसने लिखी है, कलीमुद्दीन अहमद ने। तनकीद की पहली बाज़ाब्ता किताब का नाम है मुकदमा शेर व शारी। दुरुस्त ज़रबुल मिसल लिखे अंधा क्या जाने बसंत की बहार। एज क्रो फ्लाइज डैश द स्काई इन द स्काई। तो ये आज की वीडियो थी, बाकी इसमें से ना कोई 3-4 क्वेश्चन एम्बिगुअस है, मतलब मुझे नहीं था क्योंकि मैंने पेपर नहीं था दिया, मुझे नहीं आइडिया कि इनमें से मतलब राइट ऑप्शन क्या हैं। तो जिसको भी मज़ीद इसमें से कोई एम्बिगुइटी नज़र आए तो नीचे कमेंट में मेंशन कर दें, नंबर भी दिए हैं। कोई भी चीज़ जाननी हो और इसकी PDF अगर लेनी हो तो हमें आप मेल भी कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।